पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड जानते जानते मेरा आज का ये सफर जहाँ पहुंचा है नौगांव के शहर नौगावा सादात विधानसभा सीट पर, जानने के लिए क्या है इस विधानसभा सीट के मुद्दे, समझने के लिए 2022 से ठीक पहले क्या बन रहा है जनता का मूड, तो आइए चलिए मेरे साथ और आप भी जानिए क्या है नौगावा सादात की जनता का। सरकार में मोदी की आएगी, क्योंकि अभी योगी जी दोनों साथ साथ हैं जी। क्यों आएगी, क्या मुद्दे हैं जी? इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और रोड बहुत बढ़िया बना दी, सारी सुविधाएं कर दी इन्होंने। अखिलेश की अलावा क्या बीजेपी जीतेगी, सरकार बनेगी, ये राशन देना, मकान देना, ये अच्छे काम है। विक्टोरिया बेरोजगारी सरकार तो ऊपर वाला बतावेगा किसके आवेगी। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम हुआ? राम मंदिर बनवाया है योगी जी ने, राम मंदिर बनवाया, आज तक किसी नेता ने न बनाया राम मंदिर। यहाँ तो ज्यादातर इला मामला जो अखिलेश कह रहा है। बीजेपी दोबारा से आएगी, दोबारा से। क्यों लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी, सब लोग छुपे बैठे हैं। सरकार ने जो है बड़े अच्छे काम करे हैं, पब्लिक को घर भी दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई वो करा, अब पब्लिक को लोन भी दिए हैं, यहाँ पे बहुत सहूलतें दी है। लेकिन जो है सरकार फ्री ही आनी चाहिए, अच्छी लगी हमें सरकार। इनने पहले कोई नुकसान मोदी ने या योगी जी ने कोई नुकसान पब्लिक को नहीं दिया, और कार्यकर्ता चाहे कोई भी नुकसान दे ले। अखिलेश को बनाएंगे सरकार तो अखिलेश की बनी, रोजगार से बैठे हुए देखो, बिल्कुल खाली बैठे हुए, कोई काम नहीं, सुबह को दुकान खोलते हैं, किराया तक का नहीं निकल गया दुकानों का। बीजेपी का जोर इसलिए लग रहा है कि उन्होंने कार्य अच्छा किया है, कोरोना काल में उनका जो है अच्छा काम रहा है, कोरोना वैक्सीन उन्होंने बहुत ज़्यादा यूपी के अंदर बहुत लगवाई है, चलनी चाहिए सर। क्या परेशानी है सरकार? अरे इससे सब बाजू परेशान, इसके आनी चाहिए फिर अब वो जो तो टाइम पाएगा। अखिलेश है, मायावती और प्रियंका गांधी है, इसकी सोच रहे हैं बीजेपी। बीजेपी योगी जी फिर आएंगे, योगी जी आएंगे फिर। अच्छा क्या मुद्दे हैं इस बार जो लग रहा है सर? मुद्दे ये हैं, ये तो गन्ने का रेट बढ़ने जा रहा है, गेहूँ का 40 रुपये बढ़ाए हैं, और भी जो जैसा दलहन है उन पर भी बढ़ाया है, और पेमेंट फुल हो गया किसान का एक साथ। और अखिलेश की सरकार आ गई तो गन्ने का यही पता न चला है, मायावती में कभी एक पर्ची के दो बार में आ रहे हैं, तीन बार में हमारा पूरा पेमेंट हो गया। हम लोग तो मैडम सपा के आदमी हैं, और सपा ने काफ़ी तरक्की की है यूपी को, अब इस गवर्नमेंट में तो सब देखे रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, ना तरक्की है ना कोई, बस वो बांटने वाली सियासत चल रही है। ऐसा काम चल रहा है, सही चल रहा है सरकार जो है योगी की, कैसा काम किया है? बड़े काम करा रहे हैं, बढ़िया किया है। कोई आनी चाहिए दोबारा कि नहीं? दोबारा आनी चाहिए, दोबारा आनी चाहिए। क्या किसकी सरकार आएगी दोबारा? मोदी की। और योगी? योगी की सही। बताओ जरा कौन अच्छा है, ये कैसी है सरकार योगी की? मोदी की सरकार अच्छी है। अच्छी है, आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए सरकार? मोदी की आनी चाहिए। मोदी की आनी चाहिए, योगी की? हाँ जी, आगे का तो मुझे पता नहीं। दोनों की आनी चाहिए? दोनों की आनी चाहिए, हाँ। आनी चाहिए? हाँ। क्या काम अच्छे लग रहे हैं तुम्हें इनके? काम सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं। हाँ। काम तो सभी कर रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनना है तो सभी करेंगे काम, तो क्यों ना। का काम अच्छा अखिलेश का, योगी का, मायावती सुना? काम तो अखिलेश के ही बहुत बहुत अच्छे काम थे, अखिलेश के, योगी का भी ठीक है, योगी अपनी जगह है, उसने अपनी जगह काम करे थे। तो आना कौन चाहिए इन दोनों में से, पहली पसंद कौन है? पहली पसंद और जिसे वोट पड़ जाएंगे वही आ जाएंगे। और तुम भी तो वोट दोगे, तुम्हारा भी तो कुछ मन होगा, दे देंगे जब वक्त आएगा जैसा भी हो। दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की सीट रही नौगावा सादात सीट, उस वक्त ज्यादा चर्चा में आई जब इस सीट पर उनके निधन के बाद चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ही पत्नी संगीता चौहान को बतौर कैंडिडेट यहां पर उतारा। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी विपक्षी दल यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाए और संगीता चौहान ने एक बार फिर से बाजी मार ली। इसके पीछे जरूर इमोशनल कार्ड कहा जा सकता है, लेकिन संगीता चौहान यहां से जीत हासिल करके विधानसभा में पहुंच चुकी हैं। जिन
गांव के लिए समाजवादी का उम्मीद लग रहा है ज़्यादा, इस कर सरकार में लोगों को परेशानियाँ बहुत आई लॉकडाउन से। मायावती का अच्छा होगा आपका काम? अरे यूपी मुंडी का था, जब तो अल्लाह जानता है, देखो ये हमारे तुम्हारे हाथ बस की दही नहीं, देखो ये अल्लाह जितना वाला ऊपर वाला ही है। हमारा क्या मन है? हमारा मन तो चलो कोई बात नहीं, इतनी करते कामयाब क्या हो गया। हम तो समाजवादी के आदमी हैं, समाजवादी के। हाँ तो हम तो समाजवादी के आदमी हैं, खिलकर। हाँ क्लियर। अच्छा क्लियर, क्यों ये जो सरकार है इससे खुश ना हो? ना मेरे हिसाब से तो देखिए, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, योगी मोदी तेरी जिंदगानी रहे, पूरे प्रदेश के अंदर से गुंडागर्दी खत्म कर दी, पूरे प्रदेश के अंदर से, पूरे भारत के अंदर से गरीबों के लिए अगर काम किया, पूरे भारत में करोड़ों मकान किसी सरकार ने नहीं दिए गरीबों को, वो योगी और मोदी ने दिए। रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह कह रिया तल्लाक मत दो, लेकिन किसी की बात नहीं मानी और नरेंद्र मोदी और योगी ने दो मिनट पकड़ के दिखला दिया खेल। समाजवादी। अच्छा क्यों भैया, क्या ये सरकार में काम ना हुआ? हम शिक्षा मित्र हैं, ये शिक्षा मित्र की जिंदगी खराब कर दी योगी मोदी ने। गेहूँ मिल गया, चावल मिल गए, कपड़ा मिल गया, चने की दाल मिल गई, तेल मिल गया, बहुत बढ़िया हो रहा। हाँ कौन सी सरकार अच्छी है? पुल वाल भी बढ़िया है। हाँ यूपी को चुनाव को लेकर बढ़िया लग रही है। किसके लिए बढ़िया लग रहा है? अखिलेश आज लगता है योगी साहब की आएगी, लग रही है ऐसा। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसे लग रहा है, माहौल ही ऐसा हो रहा है। काम किया है सरकार? हाँ बहुत काम किए। अखिलेश को याद कर रहे हैं, परेशान है सरकार से, परेशान है सब। हाँ क्या परेशानी है? परेशानी महंगाई रुक नहीं रही, गैस को देख लो, पेट्रोल को देख लो, हर बेरोजगार हर आदमी परेशान है। हाँ हमारा चुनाव तो अखिलेश का चुनाव है हमारा तो डायरेक्ट। हाँ अच्छा क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो इनके सामने नोट बदला, उसके बाद ये सरकार तो कैसे चल रही है, लाखों लड़के धक्के खा रहे हैं बेचारे, परेशान है किसान, वो परेशान है मजदूर, वो परेशान है, कौन खुशी चाहे बताइए। कोई काम हो जाओ, किसी भी विभाग को जाओ, लाओ पैसे, काम होता नहीं है तो क्या चुनाव देंगे? सब खुले सपा के हम तो। सरकार बदलेगी? हाँ मतलब ये भाजपा की नहीं आनी ना। क्या ऐसा काम है भाजपा का? जो भाजपा का कोई काम ऐसा नहीं है, सब रोजगार पट, सब नौजवानों के रोजगार पट, सब किसान पट, तो और क्या करेंगे ये। यूपी का अमाउंट अखिलेश भैया से अच्छा कोई है ही नहीं लग रहा। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया ने काम बहुत बढ़िया करे हैं आज तक, इसमें तो रोजगार से तो ये समझिएगा आपके बिल्कुल ही गए। महंगाई बहुत कर दी, बेच चुकी सिलेंडर फ्री कर दिया 900 साढ़े 900 सिलेंडर, खाद डीजल पेट्रोल इसकी ना नहीं दुनिया किसी की भी आ जाओ बस। तो समाजवादी को वोट देंगे, बीजेपी ने तो बर्बाद कर दिया देश को, 60 साल में जो 65 साल में कुछ ना हो पाया वो बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया।